करते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं, ये समाज जितना भी कहले मुझको, मैं डीट किसके बाप की भी सुनता नहीं। बजाता मैं प्रदीप ऑन रिपीट, और बजते ही बजते नींद आती, तुम करते रहो अपने सपनों को फील, मैंने बैठी ये बैठी सजा दी महफिल, छोड़े ख्वाब बड़े शौक, मैंने लिया एक डॉग, वो करता रहा दिन रात भाव भाव, I'm here, I'm seeing, I'm planning to conquer, call me Picasso, मैं तो लेके बैठा मेरा कलम यहाँ पूरे रात दिन, शकलाका बूम नो अलादीन, मैं तो लेके बैठा जीनी मेरे कंधों के पीछे, पंखों के नीचे, yo. हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया, मैं शांतनु, सिटको में आप सबका स्वागत है। आज जिंदगी में पहली बार नियर अबाउट 250 किलोमीटर तक मैंने बाइक चलाया दोस्तों, वो भी एक दिन में। मुझे पता है ये बात सुन के आप में से कई हंस रहे होंगे, लेकिन दोस्तों बात क्या है, देखिए मैं जब भी निकलता हूँ ट्रैवल पे तो अपना कार लेके ही निकलता हूँ, तो ये मेरा पहला लॉन्ग ट्रिप था बाइक पे जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा बाइक है होंडा हाइनेस CB350, बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि इतना दिन मैंने क्यों इसके साथ बड़ा लंबा ट्रिप पे नहीं गया। चलिए कैसा था मेरा जर्नी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में, जुड़े रहिए सिटिको के साथ। सच्ची में हाईवे में बाइक लेके निकलना इतना अच्छा लगता है, मुझे तो पता ही नहीं था दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं है, अभी तो एक एक्सपीरियंस हो गया, नेक्स्ट बहुत सारा वीडियो आएगा बाइक के साथ, और उसका सेटअप भी मैंने बहुत ज़बरदस्त कर लिया। बस आप लोग जुड़े रहिएगा सेट टू गो के साथ, देखते रहिएगा। दोस्तों बेंगलोर से मैं स्टार्ट किया था नियर अबाउट 12:15 पे, और फिर पहले स्टॉप मैंने लिया था कोलार में जो के 65 किलोमीटर, वहाँ पे थोड़ा सा चाय वाय पी के फिर स्टार्ट किया। नेक्स्ट स्टॉपेज था चित्तौर, 175 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलोर। दोस्तों यहाँ पे मैंने यूज़ किया है दो कैमरा, एक तो है Insta360 X3 और DJI Action 2। मैंने करीब 5:30 बजे तिरुपति में पहुंचा, फिर वहां पे एक होटल ले लिया था, और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मैं अपना बाइक लेके गया था तिरुमाला वेंकटेश्वर टेंपल में, जिसको बालाजी का टेंपल बोला जाता है।
टेंपल में जाने के लिए लेफ्ट में जो गेट दिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। और अगर आप सीधा जाके राइट मोड़ लेते हो तो उस रोड पे ऊपर आपको कई सारे होटल मिल जाएगा। मैं उसी रोड के ऊपर एक होटल में था। चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं मंदिर के ओर। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, आप कोई भी कैमरा लेके अंदर नहीं जा सकते हो, बस मोबाइल अलाउ है। मैंने मोबाइल से ही कुछ वीडियो लिया है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, सामने जो गेट दिख रहा है आपको, यहाँ पे हर गाड़ी का चेकिंग होता है। मेरा बाइक का भी यहीं पे चेकिंग हुआ था, उसके बाद ही आप लोग अंदर जा सकते हो। मंदिर में जाने के लिए नीचे जो चेकिंग गेट है, वहाँ से ऊपर मंदिर तक डिस्टेंस पड़ता है 19 किलोमीटर। और यहाँ पे मैंने बाइक का हैंडल में वो मोबाइल होल्डर में मैं मोबाइल रखा था और उसी से मैंने रिकॉर्ड किया था वीडियो, इसीलिए क्वालिटी थोड़ा ख़राब आया दोस्तों। Woo-hoo!
दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सभी अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, शांति से रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जुड़े रहिएगा सेट टू गो के साथ।